दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए निर्णायक मुकाबले में अक्षर पटेल के चमत्कारी ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से मचा दिया कंगारू गेंदबाजों के खेमे में तबाही। तो वहीं इस मुकाबले में छिड़ गया एक ऐसा विवाद जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खींची दीवार। बताएंगे इस विवाद के साथ ही साथ रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर मुकाबले का एडवांटेज हासिल कर लिया और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम में ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाकर भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एरोन फिंच और ग्रीन आए, जहां भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों के ऊपर ग्रीन ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रीन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में 40 रन में से आपको बता दें 37 रन उनके बल्ले से निकले। लेकिन 4th ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान एरोन फिंच को 8वीं बार 20वीं पारी में आउट किया। अक्षर पटेल ने एरोन फिंच को 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रन बनाने के बाद पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ आए। तो वहीं ग्रीन ने अपना दूसरा अर्धशतक 19 गेंदों पर पूरा किया, लेकिन ग्रीन को आखिरकार भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में 21 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 248 के स्ट्राइक रेट के साथ 52 रन बनाने के बाद ग्रीन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने मैक्सवेल आए, लेकिन दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ का कैच 7वें ओवर में मात्र 6 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने छोड़ दिया, जो भारतीय टीम को काफी महंगा तो साबित नहीं हुआ, जहां अगले ओवर में अक्षर पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को रन आउट कर दिया और मैक्सवेल 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने इंग्लिश आए तो दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ को 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी में फंसा लिया और दिनेश कार्तिक ने उनको 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद स्टंप आउट कर दिया। और अब बल्लेबाजी करने टिम डेविड आए, लेकिन डेविड और इंग्लिश ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करी, परंतु 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपने तूफान से कंगारुओं को मुकाबले में पीछे धकेल दिया। हां दोस्तों, 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे इंग्लिश को 22 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया गया। तो वहीं पर आपको बता दें कि पिछले 2 मुकाबलों को जिताने वाले मैथ्यू बर्ड को इसी ओवर के अंदर 3 गेंदों पर मात्र 1 रन के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेनियल सैम्स आए। तो वहीं पर टिम डेविड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और अंतिम ओवर में 25 गेंदों के अंदर अपना पहला T20 अर्धशतक लगा दिया। तो वहीं डेविड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 27 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 54 रन की पारी 200 के स्ट्राइक रेट से खेली और उसके बाद रोहित शर्मा के हाथों हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए और इसी के साथ ही 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। डेनियल सैम्स ने 20 गेंदों पर 28 रन की नाबाद पारी खेली और जहां भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए और वहीं हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन जब 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम उतरी तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल आए मैदान में और जहां दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बेकार शुरुआत करी। भारतीय टीम को आपको बता दें कि बढ़िया शुरुआत नहीं मिली और जहां पहले ही ओवर के अंतिम गेंद पर डेनियल सैम्स ने केएल राहुल को 4 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद विकेटकीपर मैथ्यू बेट के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली आए। तो वहीं दूसरे ओवर की समाप्ति रोहित शर्मा के छक्के के साथ हुई और आपको बता दें कि 3rd ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विराट कोहली के दुश्मन एडम जंपा को बुलाया गया, जहां विराट कोहली ने उनका स्वागत शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका लगाकर किया। लेकिन 4th ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहां बता दें दोस्तों कि 4th ओवर में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 रन 121 के स्ट्राइक रेट से बनाकर कमिंस की गेंद पर सैम के हाथों आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और अपना खाता सूर्य कुमार यादव ने चौके के साथ खोल दिया और इसी के साथ ही 5 ओवर में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।